JEE के टॉपर्स प्लानिंग कैसे करते होंगे यार? वो अपना सबसे पहले टारगेट सेट करते हैं, लेकिन फिर तुम बोलोगे यार सर टारगेट तो कोई भी सेट करता है, हम भी सेट करते हैं, इसमें नया क्या है? तो देखो नया ये है कि वो जब टारगेट सेट करते हैं तो उस टारगेट को चेज भी करते हैं कंसिस्टेंटली। अब ध्यान से समझना, टाइम टेबल तुम भी बनाते हो और जब तुम टाइम टेबल बनाते हो तो उस टाइम टेबल को बहुत दिन तक फॉलो नहीं कर पाते। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आप उसको सबसे पहले सिर्फ 3 दिन फॉलो करें और अपने दिमाग में भी यही रखें कि सिर्फ 3 दिन फॉलो करना है, बाद में ये नहीं हो पाएगा। फिर अगला टाइम टेबल बनाएं और उसको टारगेट रखें कि इसको 7 डेज तक फॉलो करना है। एंड देन थर्ड फाइनल टाइम टेबल बनाएं जिसको 21 डेज के लिए फॉलो करना है, और उस टाइम टेबल को जब आपने एक बार 21 डेज फॉलो कर लिया फिर वो आपके जीवन में उतर जाएगा। और इस टाइम टेबल को लेकर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए, आई एम प्रीटी श्योर आप भी JEE में बहुत अच्छा रैंक लेकर आएंगे।